बैक टू माई चैनल शेप अप योर लाइफ। तो अभी मैंने एक राउंड लगवाया है आपको इस घर का, सो इट इज़ माई मॉम्स हाउस। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपने अपना अपनी मॉम का पूरा घर नहीं दिखाया, तो जस्ट एक क्लिप मैंने आपको दिखाई है, तो जस्ट एक क्लिप मैंने आपको दिखाई है इस घर की। और इस घर को दिखाने का मेरा एक मकसद और है। एक्चुअली घर तो अब बड़े बड़े होते जा रहे हैं और उनमें रहने वाले जो मेंबर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। पहले एक छोटे से घर में बहुत सारे लोग रहते थे। तो आज का जो मेरा थीम है वो यही है, जो मैं आपको घर दिखाने जा रही हूँ उसके साथ मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैच्ड हूँ। चाहे मैं यहाँ पे लाइफ टाइम नहीं रही हूँ, मेरा बर्थ यहाँ का नहीं है, हिमाचल का नहीं है, मेरा बर्थ पंजाब का है। मैं अपने फादर मदर के साथ वहीं पर रहती थी, लेकिन आफ्टर सम टाइम जैसे मेरी शादी हो गई उसके बाद मेरे पेरेंट्स यहीं पे आके सेटल हो गए। उन्होंने यहाँ पे आके घर बनाया नया और वो यहीं पे रहने लग गए मेरे छोटे ब्रदर के साथ। तो अभी मैं जो घर आपको दिखाने वाली हूँ वो है 100 ईयर्स ओल्ड हाउस। तो एक साल में एक बार एक मंथ के लिए यहाँ पे आती थी, बचपन के कुछ लम्हे जो हैं वो मैंने यहाँ पे बिताए हैं। तो एक झलक मैंने आपको इस घर की दिखाई है। तो अभी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ घर, वो है कम से कम 100 साल पुराना, मेरे दादा के टाइम का। तो उसमें क्या क्या फीलिंग्स हैं उस घर के बारे में मेरी, और कैसे उस घर को अभी तक मेंटेन रखा जा रहा है, तो वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो चलिए देख लेते हैं उस घर का एक क्लिप। तो शुरुआत करूंगी रिसेंटली बने हुए घरों से। तो ये मेरी मॉम का घर है जो कुछ ही टाइम पहले बना है। बाकी ये मेरे कज़न्स के घर हैं जो बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं, इसी तरह से वो भी 10-15 साल पहले ही बने हुए हैं। और इन सब घरों के बीचों बीच बना हुआ ये घर जो कम से कम 100 साल पुराना है। तो इसकी दीवारें, इसकी खिड़कियां सब मुझे अपने बचपन की याद दिलाते हैं। और देखा जाए तो ये घर भी 5 कमरों का घर है, लेकिन इस घर में इतने ज़्यादा लोग रहते थे कि कभी लगा नहीं कि ये घर कभी छोटा पड़ गया होगा। लेकिन आज देखें तो 5-6 बेडरूम होते हैं लेकिन लोग वही 4। तो इस तरह के स्विचेस, बहुत पुराने ज़माने के स्विचेस हैं ये। ये लालटेन आप देख सकते हैं जो आज के वक्त में आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी, और एंटीक पीस के तौर पर शॉप्स में इसकी सेल होती है। और ये नीचे के ये 2 रूम्स हैं, ये स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, तो जो भी फालतू का सामान होता था वो यहीं पे रखा जाता था। और ये है इस घर का सबसे पहला टीवी, और इस तरह के लॉक्स थे। पुरानी तकड़ी, और साथ ही अगर फ्लोर्स की बात करें तो फ्लोर्स के ऊपर लेप करते थे गोबर और मिट्टी से, तो उसी से बनते थे ये फ्लोर्स। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर। और ये हैं वो बहुत ही पुरानी चेयर्स, और साथ ही यहाँ पे शेल्व्स तो अभी भी हैं लेकिन सामान कुछ और ही रखा गया है। और यहाँ पे पहले रेडियो होता था जिस पे ताऊ जी अक्सर न्यूज़ सुनते थे और कमेंट्री सुनते थे क्रिकेट मैच की, क्योंकि क्रिकेट मैच उन्हें बहुत पसंद था। और ये है वो बहुत ही पुरानी और मेरी फेवरेट खिड़की जहाँ पे अक्सर हम बच्चे बैठ के मस्ती करते थे। और ये बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ एक जगह पे बनाया गया था जिस पे अभी भी पूजा का सामान पड़ा है। और ये मिट्टी का बर्तन जिसको इडली बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे।
घर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट किचन। तो किचन में जाने से पहले चप्पल खोली जाती थी बाहर, तो अभी भी मैं आज वही कर रही हूँ। तो मेरे पापा वगैरह सारे 7 भाई थे, तो सबकी बीवियाँ और बच्चों को मिला के आप मान सकते हैं कितनी बड़ी फैमिली थी, और सबका खाना इसी किचन में इसी चूल्हे के ऊपर बनता था। आज अगर हमारे घर में 4 गेस्ट आ जाएं तो हम बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं, बनाने की तकलीफ़ नहीं करते। लेकिन देखिए तब कितने सारे लोग होते थे और एक ही चूल्हे पे खाना पकता था, और बनाने वाली लेडीज़ वही 2, क्योंकि कुछ लेडीज़ घर के बाहर काम करती थी जैसे कि खेतों में जाना, और कुछ घर के अंदर काम करती थी। तो ये देखिए मिट्टी का घड़ा पानी के लिए, और आज हमारी किचन्स में देखें तो बड़ी बड़ी अलमीराज़ होती हैं बर्तन रखने के लिए, लेकिन उस वक्त ये शेल्व्स होती थी। और ये है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बचपन की याद लाती है, जिसको बोलते हैं बिंडा। इस पे बैठ के हम सब लोग खाना खाते। और ये है वो फ्रंट का रूम जहाँ पे टीवी होता था, और हम सब लोग यहाँ नीचे बैठ के टीवी देखा करते थे, और यहाँ पे मेरी दादी और ताऊ जी बैठा करते थे। और ये है वो खिड़की जो किचन और रूम को जोड़ती है, तो अक्सर हम यहाँ से कूद के रूम में और रूम से कूद के सीधे किचन में आते थे। और ये मेरी सिस्टर की बेटी है वंशिका। ताले पीसने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ये कोई इक्विपमेंट है, और साथ ही इधर है आटा पीसने के लिए चक्की। तो देखिए कितनी मेहनत करते थे वो लोग। और आज जब हम घर की बेसमेंट में पहुंचे तो वहां जाके हमें एक पुराना ट्रंक मिला जिसमें ये पुरानी पेंटिंग्स मिली हैं जो अपने हाथों से बनाई थी घर की औरतों ने। और साथ ही कुछ सामान मिला, ये सहरा वगैरह हैं जो शादियों में पहने जाते हैं, और ये पीतल की कटोरियाँ। और ये 2 एक्स्ट्रा कमरे हैं ऊपर और नीचे, ये भी इसी तरह से बने हुए हैं, मैं अभी आपको दिखा नहीं रही हूँ। और ये ऊपर का जो कमरा है इसमें मेरी दादी माँ रहते थे। ये है घर का आंगन, और इस तरह से यहाँ पे एक बैठने के लिए जगह होती थी जिस जहाँ सारा परिवार बैठता था और बच्चे यहाँ पे खेला करते थे। के आंगन का ये कम से कम 70-80 साल पुराना आम का पेड़ है जहाँ पे हर साल आम लगते हैं, और आजकल की जनरेशन भी यहाँ के आम तोड़कर खाना पसंद करती है। इसको बोलते हैं देसी आम, तो ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो अभी हम लोग भी यहाँ पर यही ट्राई कर रहे हैं। और जिस तरह से ये बच्चे इस आंगन में आज खेल रहे हैं इसी तरह से हम भी खेला करते थे, और वो यादें एक याद बन के मेरे दिमाग में फीड हैं, लेकिन उनका कोई वीडियो मेरे पास नहीं है क्योंकि उस वक्त कैमरास जो हैं वो इस तरह इन हैंड नहीं हुआ करते थे। लेकिन जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाऊँगी।